नमस्ते मेरी प्रिय भाई और बहनों, आपका मेरे चैनल ISPCS पाठशाला में स्वागत है। आज का हमारा वीडियो, ये जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है आपका UP SSSC लोअर PCS का, इसके जो कट ऑफ कितना बना है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, ये इस पर वीडियो है। तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि आपको पता है कि इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे, आई थिंक 10 से 11 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे। लेकिन जो सेंटर की कंडीशन थी, वो जहाँ पे एग्ज़ाम देने गए थे, जहाँ पे सेंटर पड़े हुए थे, वहाँ पे ये हालत थी कि मतलब आधे बच्चे तो जो वो पहुँचे नहीं थे। तो मतलब कहने का कि आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है कि 40-50% बच्चे जो थे वो अब्सेंट थे, या फिर लेट हो गए, या फिर उनको स्कूल में लेट की वजह से उनको वो पहुँच नहीं पाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो था वो दूर सेंटर था। तो इसका हमारे कट ऑफ पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो जो जो इफेक्ट पड़ेंगे पहले हम वो बता देते हैं। पहला चीज़ तो ये है कि एक तो बहुत बच्चे अब्सेंट थे, आई थिंक अब 40-50% बच्चे अब्सेंट है, तो बहुत बड़ा एक इफेक्ट पड़ने वाला है। दूसरा चीज़ ये कि जो पेपर का लेवल था वो रीजनिंग और मैथ्स का तो लेवल जो था वो बहुत इक्वल था, ठीक ठीक था, बट जो GS थी, कहने को वो सरल भी थी और कहने को कुछ ऐसी थी कि मतलब हमारा जो एक नॉर्मल हम लोग कंपटीशन के लिए GS पढ़ते हैं उससे थोड़ा अलग हटके थी। कुछ डेली चीज़ें थी जहाँ पे हमारा ध्यान भी नहीं जाता, हम ये नहीं कह सकते कि वो कठिन थी, बट एक होता है कि जैसे भी एक टिकटॉक का क्वेश्चन आया था, सोचो हमारा दिमाग नहीं जा सकता कि टिकटॉक के ऑनर का नाम पूछ सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें थी, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को मैं GS के लेवल को सिंपल तो नहीं बोलूँगी, वो मॉडरेट टू टफ था, सिंपल नहीं था। कुछ क्वेश्चन सिंपल होने से कोई पेपर पूरा सिंपल नहीं हो जाता है, ठीक है। तो मतलब हाँ, उनको हो सकता है जो बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, बट जो न्यू कमर हैं, जो भी नए बच्चे हैं, उनके लिए आप नहीं बोल सकते कि मतलब सबके ऊपर वो चीज़ें थोप दो। तो अब हम बात करते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो क्या जा सकता है, और ये प्री जो भी ये कट ऑफ है प्री के लिए है, प्री आप इससे पास करोगे, इसके बाद आप मेंस में जाओगे। तो आई थिंक 650 के आसपास जो है ये इसकी वैकेंसी है, तो उस हिसाब से जो है वो बच्चे बुलाए जाएंगे। अब वो कितने गुना बुलाते हैं ये तो बाद में पता चलेगा, पर जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, आप UP SSSC के पुराने पेपर का रिजल्ट आप देख चुके हो, बहुत ही हाई कट ऑफ गया है। वहाँ पे 250 पोस्ट होती, 300 पोस्ट होती थी, तो सोचिए उस हिसाब से जाता था। मतलब अभी 150 क्वेश्चन में UP SSSC का 110-115 तक कट ऑफ गया है, क्वेश्चंस का बता रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा वैकेंसी थोड़ा ज़्यादा है, 650-700 वैकेंसी है, तो थोड़ा सा जो है आपका कट ऑफ आपका कम चला जा सकता है, ठीक है। बट इतना भी कट ऑफ कम नहीं जाएगा, जो रियलिटी है वो है, लोग पढ़ रहे हैं और बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, मेरे हिसाब से जो है वो है जनरल का, वो आपका है 91-93, ठीक है। तो एक मिनट मैं यहाँ पे प्रेस ले लेती हूँ, हाँ ठीक है। देखिए जो जनरल है वो 91-93 क्वेश्चन है। अब इसका मैं एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कैसे हो सकता है। देखिए एक एवरेज जो स्टूडेंट है उसने 125 के आसपास जो है, जिसने सीरियसली पढ़ाई की है, जो मतलब एक अच्छी दौड़ में है, उन्होंने एक एवरेज इतना जो क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट किया है। मैंने बहुत सारे बच्चों के जो है वो देखे हुए, उन्होंने कितने अटैम्प्ट किए हैं, एक मतलब ऐसे तो लोगों ने 135, ठीक है, 140 भी किए हैं, बट वो कहते हैं ना रेयर ऑफ द, या फिर तुक्का ही बिल्कुल मारना हुआ, जिसको बिल्कुल नहीं पढ़ा जाके सारी तुक्का मारा है, ऐसा नहीं। जो एक एवरेज स्टूडेंट है उसने 125 के आसपास जो है उसने क्वेश्चन किए हैं, 125-130, वैसे तो किसी ने 115-116 भी। मतलब कहने का मीन्स ये है हमारा कि 115 से लेकर के 125 वाले जो बच्चे हैं वो बड़े ही मतलब जेन्युइन बंदे हैं, और उन्होंने जेन्युइन के साथ जो है क्वेश्चंस किए हैं, और ये इशू थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा सर्वे के बाद ये चीज़ें बता रही हूँ, लोगों को देख करके, लोगों से पूछ करके आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, इतने क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करेगा, इसमें से इतना तो फैक्ट है कि 20 क्वेश्चन जो हैं आपके ऐसे होंगे, 20 से 24 क्वेश्चन आप मान लो कि जो गलत होंगे, यानी आप कितना भी कर लो, कितना भी सही कर लो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो हैं, इतने क्वेश्चन तो आपके गलत होने ही होने हैं, ठीक है, समझ आ गया आपको। तो इसके बाद में ये क्वेश्चन है, इसका ना मान लो 24 क्वेश्चन गलत होते हैं, मान लो आपने 124 किया, ठीक है, 124 किया और 24 गलत हो गए, तो आप कितने पे आ गए, आप आ गए 100 पे, ठीक है। आपने 124 क्वेश्चन किए जिसमें से आपके 24 हो गए गलत, ठीक है, तो आपके पास बचे कितने, 100। अब ये 24 गलत हुए क्योंकि माइनस मार्किंग थी, माइनस मार्किंग होता है कि आपके सही क्वेश्चन जो हैं वो आपके कट जाएंगे, ठीक है, तो 1/4 जो थी वो माइनस मार्किंग थी। तो मतलब 24 क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, 20 से 24 क्वेश्चन जो हर बंदे का गलत हुआ ही हुआ होगा, तो दैट मीन्स एक एवरेज मान के चलें कि 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं वो हर बंदे के सही क्वेश्चन कट जाएंगे निगेटिव मार्किंग की वजह से। तो अब 100 क्वेश्चन जिसने एक होशियार बंदे ने, ठीक ठाक बंदे ने, मेहनत करने वाले बंदे ने किए हैं, उसके मतलब 5 से 6 क्वेश्चन मान लो वो अपने आप आ जाएगा, वो जो है
94 के आसपास या मतलब 92 के आसपास, ये इतने ऐसे क्वेश्चन है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इतने लेवल पे तो लाएंगी ही लाएंगी। फिर भी मैं एक एवरेज लेके चल रही हूँ, जो 92-94 ऐसा जो बंदे हैं पढ़ने वाले हैं, और ऐसा बहुत बंदे हो सकता है हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ लोग की बहुत कंडीशन ऐसी नहीं पढ़ पा रहे, बट भैया इतना ज़्यादा कंपटीशन है ना कि हम क्या बताएं कि लोग बुरी तरीके से लगे हुए हैं बस कोई एक एग्ज़ाम निकल जाए। क्योंकि वैसे भी यूपी का हाल एग्ज़ाम का ये है कि यार मतलब 4-4 साल जो हो गया रिजल्ट नहीं आ रहा, वैकेंसी फंसी है, कोर्ट में केस चले गए हैं, तो इसलिए भैया लगता है कि अब तो ये हालत है। जो PCS है जो अच्छे लेवल की भी तैयारी, वो भी सोचते भगवान चपरासी निकल जाए, कुछ भी निकल जाए, बस एक बार नौकरी लग जाए। फिर क्योंकि इतना ज़्यादा केस को लेट करते हैं ना ये एग्ज़ाम रिजल्ट निकालने में कि बहुत दिक्कत होती है। तो ये पढ़ने वाले बच्चे, इवन PCS वाले बच्चे भी इसको भरे होंगे, तो इतना तो हर मतलब इतना ये बहुत ही एवरेज बंदा जिसके 92-94 क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे, मैं आपको बोल रही हूँ बिल्कुल सही होंगे। और आपको पता है एक एक क्वेश्चन से, एक एक पॉइंट मार्क से जो है ना आपका जो है नंबर पीछे हो सकता है। इसलिए मैं सीधे कट ऑफ पे आता हूँ, आपको मेरा लैंग्वेज जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा मैंने क्यों इसको दिखाया। फिर भी एक हम एवरेज लेके चल रहे हैं, फिर भी एवरेज लेके चल रहे हैं, वो ये कि जनरल का जो मेरे हिसाब से है वो मेल के लिए वो 91-93 है, OBC के लिए 88-90, ठीक है, जनरल के 91-93, OBC के लिए 88-90 के आसपास है। इसके 80 की बात करें तो 84-87 है, ST की 80-84 है, ये मेल के कैंडिडेट की बात हो रही है। इसके फीमेल की अगर हम बात करते हैं उनका 85-88 है क्वेश्चन, यहाँ पे मैं क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपके सही होंगे तो आपका प्री में सेलेक्ट होने का जो है वो चांस जो है बढ़ जाता है। देखिए एक्सपेक्टेड ही हम बता रहे हैं, एकदम 100% नहीं कह सकते हम सही हैं। फिर भी मेरे जो पिछले भी जो वीडियो रहे हैं वो उसमें मेरी हर बार जो मेरी कट ऑफ है वो मेरी एकदम एक्सेप्ट की और वही जाती है, ठीक है। कई बार बंदों ने आके बोला नहीं आप ज़्यादा बता रहे हो मतलब, लेकिन जाती फिर उतनी ही है, ठीक है। PCS की भी मैंने कट ऑफ बताई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका OBC का 82-84, SC का आपके 79-81 जाएगा फीमेल कैंडिडेट का, और ST के लिए 75-79। तो ये मेरी कट ऑफ थी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप अपने कमेंट करके बता सकते हो आपको क्या लगता है कितने कट ऑफ है, और ये भी बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन किए हैं कट ऑफ करके, मतलब कितने क्वेश्चन आपने किए आपको क्या लगता है कितना जाएगा। दूसरा, मेरे वीडियो पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे आपको जो है वो आपको GK GS इन सब के आपको वीडियो मिलेंगे आपको आपके कंपटीशन की तैयारी कराने के लिए। ओके, जय हिंद। मैं वीडियो को यहाँ पे समाप्त करती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्य सनातन, जय हो।